हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की बहुत सी मांग थी कि सर हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन जो कि 23 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था एसएसबी का, तो उसका आप सॉल्यूशन लेकर के आइए। सेकंड पेपर की ज़्यादा मांग थी कि सेकंड पेपर जो टेक्निकल पेपर का एग्ज़ाम हुआ था जिस पर आपकी मेरिट बनेगी, उसका आप लोगों ने हल देखना चाहता, तो उसको फाइनली मैंने लेकर के आया। मैंने करीब 3 या 4 पार्ट में मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। यह पहला पार्ट है जो कि मैं इसमें हल हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये जो आप लोगों का 23 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ पर दे रहा है जो कि 23 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों को, यानी पिछले रविवार को हुआ था, तो उसी का आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। और ये सेकंड पेपर का हम लोग करेंगे आज, ठीक है। तो देखते हैं, आप लोग मिला लीजिए कितने सही होता है। फिलहाल अभी तो SSB ने आंसर की नहीं दिया है, लेकिन हमने हल करके आपको दे रहा हूँ किसका क्या आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली अपडेट मिलती रहे, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपको तुरंत आपके पास वीडियो चली जाएगी। ऐसे ही आपके महत्वपूर्ण जो भी एग्ज़ाम होने वाले हो, आगे की जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका हल देखते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मेरा भी उत्साह इसी तरह बना रहे। देखिए, ये जो है सीरीज कोड है, ये एस कोड का है, ठीक है ना, पुस्तक कोड का ए का है। तो चलिए चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये कह रहा है कि ऑक्सीजन एक अणु STP पर के बराबर होगा। वन मोल ऑफ ऑक्सीजन STP इज इक्वल टू। देखिए, इसका पहला आंसर जो होगा, ये पहला आंसर होगा, पहला का क्या होगा, ए होगा, ठीक ना। 6.022 × 10³ मोलिकल ऑफ ऑक्सीजन को ही कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं, यानी STP में कहते हैं एक मोल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। इसमें कौन सही नहीं है ये पूछा है, द्रव्यमान नियमानुसार, ठीक है। तो इसमें इसका सही आंसर होगा बी होगा, ठीक है। ये जो बी है ना, CH3H8, ये वाला जो होगा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोल की 3 नंबर, ये जो है तीसरा है आपका, कह रहा है कि मोल इकाई किसी इकाई, किसकी इकाई है। तो ये सभी लोग लगभग जानते होंगे, सी होगा इसका, पदार्थ की मात्रा का होता है, ठीक है। किसकी होती है, पदार्थ की मात्रा का होता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट, तब तक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि CH4 के 32 ग्राम दहन पर H2O की कितनी मात्रा उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा 72 ग्राम होगा, सी नंबर। देखिए दोस्तों, अगर आपका ए सीरीज नहीं, अगर कोई दूसरा सीरीज है, तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और अपना आंसर लिख लीजिए क्वेश्चन लिख करके, और उसमें से मिला लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहता है, बस नंबरिंग इधर से उधर हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्सीजन होती है किस, क्या ऑक्सीकरण में क्या होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए ऑक्सीकरण में क्या होती है, हाइड्रोजन की हानि होती है। इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा, हाइड्रोजन की हानि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होती है। तो रिडक्शन अभिक्रिया ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों होता है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, डी होगा, ठीक है। रिडक्शन अभिक्रिया उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण को, और अपचयन को क्या कहते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नीचे देख रहे हैं, समयावी युग्म कौन से हैं। बहुत से लोगों ने इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन लगाए होंगे, लेकिन इसका सही जो आंसर होगा, सही आंसर होगा डी, ठीक है। ब्यूटेन और 2-मेथिल प्रोपेन होगा, ये दोनों क्या है, समयवी युग्म है। इनका जब आप संरचना बनाइएगा ना, इस तरह करके CH4 करके, तो आपको इस तरह करके बनाइएगा तो आपको समयवी मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8 नंबर। कह रहा है कि साबुन का प्रतिफल क्या होता है, ठीक है, साबुन का प्रतिफल क्या होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा उसका होगा बी नंबर होगा, ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरॉल होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9 नंबर जो है, कह रहा है कि मिश्र धातु क्या है। तो मिश्र धातु क्या है, तो मिश्र धातु वह चीज़ है, एक समांगी मिश्रण होता है, उसी को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक धातु के पतले तार बनने की क्षमता क्या क्षमता जो होता है उसके बनने की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, बहुत लोगों ने कह रहा है कि
ये होगा नर्मता होगी यानी मेलिविटी होगी, लेकिन हमको लगता है इस पर मेरे को भी डाउट है, ठीक है, लेकिन ये इसका सही आंसर ये होना चाहिए, लगभग ये होना चाहिए, नहीं तो ये होना चाहिए, लेकिन आप लोग इसी को लगा के चले क्योंकि यही सही होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में तो कहीं हम लोग पढ़े नहीं है लेकिन इसके बारे में ज़रूर पढ़े हैं, ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लचीलापन होगा, लचीलापन के ही कारण धातु का पतले तार बनते हैं। चलिए 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर देखते हैं, ये बहुत क्वेश्चन है, बहुत लोगों को इसमें डाउट है कि अम्ल राज का संघटक घटक क्या होता है, तो इसका सही आंसर जो होगा ये बी होगा, सांद्र HCl और सांद्र HNO3, और वही किस अनुपात में होना चाहिए, 3.9 के अनुपात में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, तो इसमें इसका सही आंसर होगा आयनिक यौगिक कौन सी नहीं है, तो ये CCl4 जो है क्या है, आयनिक यौगिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन है, देखिए ये सारे जो है इन लोग आयनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, CCl4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए एल्युमिनियम और Fe, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो सभी लोगों ने ये बनाए होंगे, ये सभी बनाए होंगे, ये देखिए ये कह रहा है कि बॉक्साइड में सामान्यतः मिलने वाली अशुद्धियाँ कौन सी हैं, तो इसका सही आंसर सी होगा, Fe3O4 पाया जाता है, बॉक्साइड में अशुद्धियाँ पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है, लौह खनिज है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, मैग्नेटाइट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर, कह रहा है कि सोने व चांदी, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि सोने और चांदी के निष्कर्षण, सोने और चांदी के निष्कर्षण का आयन के साथ लीचिंग करना क्या होता है, ठीक है, बाद में चांदी, तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर जो होगा 16 का डी होगा, जिंक के साथ विस्थापन कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17 नंबर देखिए, ये रहा 17 नंबर, कह रहा है कि 17 नंबर का आंसर क्या होगा, 17 नंबर, 17 नंबर का आंसर होगा सी होगा, ठीक है, 17 नंबर का आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, ये आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 18 नंबर, 18 नंबर क्या कह रहा है कि पिंग लोहे में निम्नलिखित में कौन सा अशुद्धिया के साथ रूप अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, पिंग में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा कार्बन, सबसे ज़्यादा कौन क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शामक औषधि शांत करने की दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन है लेकिन इसका आंसर बी होगा, ठीक है, इसका बी क्या होगा, वैलियम होगा, ठीक है, इसका बी होगा, शांत करने में कौन है, बी है, वैलियम। और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, तो ये इसका सही आंसर होगा, इसका भी बी होगा, ऑक्सीटोसिन, ये बाकी ये जो क्या है एंटीबायोटिक है, ये भी एंटीबायोटिक है, ये भी एंटीबायोटिक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी को। दोस्तों आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आगे भी हम करूँगा क्योंकि लंबा ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इतना ही शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, और तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद। अभी हम लोग 20 क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक, जैसे ही मैं आगे 20 क्वेश्चन और मैंने जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसके लाऊंगा तो आपको ताकि डेली तुरंत अपडेट मिल जाए, इसलिए मेरे चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद। अभी इतने के लिए जो कि हम लोग अभी किया देखें, अभी 20 केमिस्ट्री का जो 20 क्वेश्चन आया था उसको हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, आगे का और हम तुरंत वीडियो मैं बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूँगा। धन्यवाद।